करनो कफानुबंधे रुधिरे सती सप्तमी कफानुबंधे रुधिरे सपित्ते कंठागते सप्तमी आणि त्याचे विशेषण उसका और एक विशेषण है शाद ग्रथिते यदि ग्रथिता स्यात् उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। कफानुबंध है, रक्त दुष्ट है, पित्तानुबंध भी है और कंठागत है और उसका विशेषण क्या है? ग्रथिते। इस अवस्था के हम चिकित्सा बता रहे हैं, ये अवस्था है। युक्त्या मधुसर्पिषा च क्षारस्य उत्पलनालजस्य प्रयोज्या है क्रियापद। एक एक वाक्य देखेंगे हम। युक्त्या मधुसर्पिषा च क्षार प्रयोज्या। क्षार किसका? उत्पल नालजस्य, कमल की नाल का क्षार मधुसर्पे के साथ प्रयोज्या, युक्त्या प्रयोज्या। आगे हैं मृणाल पद्म उत्पल, इनके केशरों का भी क्षार प्रयोग कर सकते हो। तथा पलाशस्य तथा प्रियंगो हो, इनके भी केशरों का प्रयोग कर सकते हो। तथा मधुकस्य असनस्य क्षाराः प्रयोज्याः, इन सबके क्षारों का प्रयोग ग्रंथि युक्तस्य रक्तपित्तस्य, इस अवस्था में इसका प्रयोग करना है। और वो कैसे करना है? विधिना एव तेन, उसका कुछ विधि है क्षार का, उस विधि से क्षार करना और मधुसर्पिषा प्रयोग करना। मधुसर्प ये विधि का एक भाग है, मधुसर्प के साथ प्रयोग करना। शतावरी गाड़ी में तिलतिरिकम आकोरी मेदे मधुकम विदारी इश्वाच मूलम फलपूरकस्य वृतम भजत क्षीर चतुर्गुणम न्याह रास ज्वरा आह विमंद शुगम तद्रक्त दिक्तम च वृतम न्याह यत पंच मूले ही अथ पंच कर्मा सिद्धम वृतम तच्च तदर्थ कारी इति शतावरी आदि वृतम। इस दो कल्पों का अधिकरण है कास ज्वर आनाह इबद्ध शूलम तद रक्त पित्तम च निहन्ति, रक्त पित्त और उनमें उत्पन्न होने वाले उपद्रव कास ज्वर आनाह इबद्ध शूल, इनके ये दो प्रयोग हैं। पहला प्रयोग है शतावरी दाढ़िम तिंतिड़िका, शतावरी दाढ़िम तिंतिड़िका, तिंतिड़िका पता है चिंच, तिंतिड़िका काकोली मेदे, मेदे काकोली और मेदा दोनों, मधुकम च विदारिम च द्वितीय, द्वितीय सबकी द्वितीय की है। क्या करना है? पिष्ट्वा, पिष्ट्वा ये त्वान्तव्य है, उसको पेस्ट कर, पेस्ट बना के उसकी पिष्ट्वा
घृतम पचेत क्षीर चतुर्गुणम च। घृत शुद्ध करना है, उसमें चतुर्गुण क्षीर डालना है। एक फलपूरक पता है क्या है? फलपूरक, फलपूरकस्य मूलम क्षीरम चतुर्गुणम घृतम पचेत। चतुर्गुण क्षीर डालकर घृत का पाक करो। मातुलुंग, ठीक है, मातुलुंग बीज दे, मातुलुंग केशर फलपूरकस्य ठीक है। अधिकरण कास का है, ज्वर का है, आनाह का है, विबंध का है। इसमें फलपूरक इष्ट्वा डालना है। इष्ट्वा मूलम फलपूरकस्य घृतम पचेत क्षीर चतुर्गुणेन, चतुर्गुण क्षीर में उसका घृत सिद्ध करना है। आगे लिखते हैं, कास ज्वर आनाह शूलम तद्रक्त पित्तम घृतम निहन्यात। ये घृत इन व्याधियों को कम करता है। अगला घृत है, अगला कल्प है, पंचमूल अथ एन अथ पंचभिर्वा, यत पंचमूल अथ पंचभिर्वा सिद्धम। पंचमूल, पंचमूल से सिद्ध करके उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। तदर्थकारी सिद्धम घृतम तच्च तदर्थकारी। यहाँ पर एक शब्द आया है, ये शायद पहली बार आया है चिकित्सा में, तदर्थकारी। रक्तम रक्त पित्तम घृतम निहन्यात यत पंचमूल अथ पंचभिर्वा सिद्धम घृतम तच्च तदर्थकारी। और कई बार ये कास शुद्ध वातज होता है और प्रायः शीतोत्थ होता है, शीतोत्थ लंघनोत्थ भी होता है, तो केवल रुगण करने से शांत होता है उसके, इसलिए शर्करा मधुयष्टि देना आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे कि यत पंचमूल ही अथ पंचभिर्वा सिद्धम घृतम तच्च तदर्थकारी, उसकी टीका है तदर्थकारी की। ये तदर्थकारी शब्द का ये पारिभाषिक शब्द है, जैसे चिकित्सा का सिद्धांत है हेतु विपरीत, और हेतु विपरीत में आप शबन द्रव्य देते हैं। हेतु विपरीत से वृद्ध श्लेष्मा पित्त जो भी है वो शांत होते हैं, तो उसके लिए उस अनुसार दिए हुए विरुद्ध कल्प, विपरीत गुणों के कल्प, ये विपरीत है, हेतु विपरीत है। लेकिन श्लेष्मा वृद्ध है आपने वमन दिया, ये विपरीतार्थकारी है, उसी का नाम तदर्थकारी है। ये पारिभाषिक संज्ञा है। यहां पर इस संज्ञा का प्रयोग तदर्थकारी इस पद से अभिप्राय है, ऊपर जो घृत दिया है शतावरी उसी प्रकार काम करने वाला है, इस अर्थ में है। उसकी टिप्पणी पढ़ो, टीका उसकी। शतावरी आदि घृत है उसके समान वो कार्य करता है, इस प्रकार तदर्थकारी का अभिप्राय समझना है। यहां पर घृतों का वर्णन, क्षार का वर्णन हो गया। आगे पढ़ो। कषाय योगा यः इह उपदिष्टा ते च अवपीडे विशुद्धा प्रयोज्या ग्रहणात् प्रवृत्तं रुधिरं स पित्तं यदा भवेत् निःसृत कुष्ठदोषः। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार एक बात दोहराना चाहता हूँ, और मैं बार बार उसके दोहराऊंगा। आज जो परंपरा है सर्वत्र विजित है, विहित भी है, वो यह है कि कोई व्याधि सामने आया, कोई लक्षण सामने आया, विशिष्ट लक्षण सामने आया, ग्रंथ खोला,
उसमें कौन सा कल्प उत्तम है, उसका चयन किया और दे दिया। ये विहित परंपरा है, ये करनी है, अत्यावश्यक अवस्था में तो करनी ही है। किंतु जहां अत्यधिक अवस्था नहीं है, उस अवस्था में इनका प्रयोग तत्काल नहीं करना है। इन कल्पों का प्रयोग उन प्रयोग के लिए आवश्यक अवस्था आने के बाद ही करना है। जैसे उदाहरण के लिए रक्त पित्त में स्तंभन करना है, इस आगे है अवपीडनस्य करो, कषायों का दुर्वाह का अवपीडनस्य करो, ये कब करना है, उसके क्राइटेरिया है। मांस शोणित क्षीण है, बल क्षीण है, दुर्बल व्यक्ति है, करना है। यदि व्यक्ति बलवान है, ऋतु अच्छा है, नहीं करना है, उपेक्षा। जब उपेक्षा से काम हो जाएगा, दोष शमन हो जाएगा और आपको ये चाहे कि अभी ये करना जरूरी है, तो आप इसका प्रयोग करना है। इसलिए इन कल्पों का प्रयोग सद्यो नहीं करना है। आया, पेशेंट के नाक में डाल दिया, उसके परिणाम उल्टे हैं। स्तंभित दुष्ट रक्त के परिणाम, पन्ना पेज नंबर निकालिए इसी अध्याय में, श्लोक नंबर 26, और उसके पीछे का एक श्लोक है, नादौ स्तंभन अर्हति, पहले पन्ने, उसके पीछे के पन्ने पर नादौ स्तंभन अर्हति है। और फिर इसको पढ़ो, यदि आपने आदौ स्तंभन किया तो क्या होगा। नादौ अर्हति का अभिप्राय क्या है, अर्थापत्ति तंत्र की लगाना है। नादौ स्तंभन अर्हति, और इसको तंत्र युक्ति लगाना है, अर्थापत्ति पश्चात अर्हति, नादौ अर्हति पश्चात अर्हति, पश्चात इति कदा, उसके वर्णन बाद में बताता हूं। अब यदि यहां पर आदौ स्तंभन नहीं करना है और आपने अपूर्णस्य दे दिया, तो रोटी फिटकरी का पानी दे दिया आपने, क्या होगा, पढ़िए। प्रथमतः प्रवृद्धम सिद्धिमिच्छिता, सिद्धिम इच्छिता का अर्थ तात्काल रक्त बन करना ये नहीं है, व्याधि ठीक करना, दोष क्षय करना, रक्त प्रसाद करना, अग्नि उत्तम करना, ये सिद्धि का अर्थ है। केवल रक्तस्तंभन यह सिद्धि नहीं है, यह तात्कालिक सिद्धि है। इस सिद्धि का परिणाम रक्त पहना तो बंद हो जाएगा, लेकिन वर्णनाश, पीड़िका, विद्रधि, अर्श, गुल्म, घ्राणनाश, ऐसे अनेक उपद्रव हो सकते हैं। इसलिए शीघ्रता से नहीं करना है। सिद्धि का अभिप्राय यह है कि रोग तो ठीक हो जाए, अन्य कोई व्याधि फिर कभी ना हो उस दोष की और उस दोष्य की, इसका नाम सिद्धि है। इसलिए सिद्धि में चिता शब्द का अर्थ यहां पर यह है। अब ये कब करना है, तो उसके लिए 82 देखिए। आया ध्यान में, पहला शब्द क्या है, सबसे पहला शब्द कौन सा डाला है, उद्रिक्ते अग्नि है, अग्नि को प्राधान्य दिया है। चिकित्सा में दोष क्षय के बाद अग्नि दीप्ति अनिवार्य है, कोई कठिन नहीं है, केवल दीपनी द्रव्यों का यूष देना है और कुछ नहीं देना है।
औषध काल में निरन्नावस्था में केवल दीपनीय द्रव्यों का यूष देना है। अवस्था देख कर दीजिए, पैतिक है तो पंचकुल नहीं देंगे, तिक्त दीपनी देंगे, अनंतमूल शतपुष्पा इनका देंगे। ये भी तिक्त रस दीपनीय है, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दीपनीय द्रव्य लवण हो, अम्ल हो, कटु हो, तिक्त स्वयं दीपनीय है। निकालिए 26 चैप्टर सूत्र स्थान, तिक्त रस के कर्म पढ़िए। तिक्त रसा स्वयं अरुचिष्णुः अपि अरुचकम्नः विषग्नः कृमिघ्नः मूर्छादाहः कण्डुकुष्ठ तृष्णा प्रशमनः त्वन्मांसयोः स्थिरीकरणः ज्वरग्नः दीपनः पाचनः। इस प्रकार दोषक्षय आपने किया, हेतु बन कर दिया, दोषक्षय प्रारंभ हो गया, थोड़ा लंघन लिए, उपवास दिया घंटा दो घंटा तीन घंटा, फिर यूष बना के लिया या तो तर्पण बना के लिया, दीपनी द्रव्यों का तर्पण यूष दिया, दो तीन दिन तक दिया, दोपहर में भोजन 12 बजे के बाद भोजन, वो भी दीपनी द्रव्यों से सिद्ध, द्राक्षा आमलकी दाड़िम जीरक इनका देश। अन्य कोई जो व्यवहार में आप दीपनी द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हो भोजन में, उनका करना है, जैसे कोकम आमसुल है, अन्य दाड़िम है, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हो, ये दीपन करना है। और ये दीपन करने के बाद फिर जब दीपन हो जाएगा तब औषध की पूरी मात्रा आपको देनी है, इसलिए दीपन करना है। क्वाथ की मात्रा आपको देनी है कम से कम 50 ml से लेकर 90 ml तक, बल देखकर न्यूनतम 40 है। अनन्नावस्था में देनी है, बलवान है, बलवान व्यक्ति में औषध नित्य अनन्नावस्था में देना है, बलवान व्यक्ति में। और दुर्बल व्यक्तियों में आहार के साथ फिर व्यवस्था बताइए, अन्नादो वेगुणे पाने समाने मध्येष्यते सायमास्य उत्तरस्य प्रातराशे उत्तरस्य ग्रासे ग्रासे मुहुर मुहुर। ये जो है किसके लिए है? दुर्बल व्यक्ति के लिए है, जो औषधियों का बल सोढ़ुम न शक्यते सहन की नहीं कर पाएगा, उनके लिए है। अन्यों के लिए उत्तम मात्रा अनन्नावस्था में देना है, यदि अत्यधिक कटु नहीं है तो, यदि बलवान कटु है तो औषध बल्ला तक देना है तो मिश्रित करके देना है, चित्रक देना है तो घृत में मिला कर देना है, क्वाथ चूर्ण अनन्नावस्था में पूर्ण मात्रा में देना है, इसलिए अग्निदीप्त करना अनिवार्य है। ये कहो कि चिकित्सक का पहला कर्तव्य अग्निदीप्त करना ही है, अन्यथा मंदाग्नि से भी दोषों का प्रकोप होता है, आम प्रदोष होता है, तीनों दोषों का प्रकोप भी होता है, परतंत्र दोष प्रकोप होता है, इसलिए अग्निदीपन की प्रक्रिया बहुत ही सादी सिंपल है। क्षुधा बोध हुआ है, मल प्रवर्तन हुआ है, 40 ml 50 ml यूष और 100 ml मैक्सिमम 100 ml यूष दे दीजिए, यूष या तर्पण दे दीजिए, अम्ल किंचित लवण तिक्त थोड़ा घृत दे दीजिए, और फिर औषधियों का प्रयोग करना है, उसमें फिर औषधियों के प्रयोग में भी आप अवपीड नश्य कर सकते हो, क्योंकि आपने रक्त जाने दिया है, आपने दोष समन कर दिया है, इसलिए अब इष्टा उपदिष्टा यह उपदिष्टा यह यानी यहां पर उपदिष्ट ये आदेश दिया है, उपदेश दिया, आदेश दिया है, उपदेश उद्दिष्ट यानी आदेश, ये कबूदावी है, पास्ट टेंस है, उपदिष्ट ये उपदिष्टा है, उसका बहुवचन है, उपदिष्ट का उपदिष्टा योगा उपदिष्टा, योगा अकरंत पुल्लिंग है, उसको उपदिष्टा अकरंत पुल्लिंग किया है, तो प्रयोज्या ते अवपीड़े ते इति योगा, अवपीड़े सप्तमी है, अवपीड़
में प्रयोग करना चाहिए, प्रयोज्या कदा कैसे कब करना है। घ्राणात प्रवृत्तम रुझिरम सपित्तम, घ्राणात पंचमी है, प्रवृत्तम घ्राणस्य प्रवृत्तम द्वितीय है, घ्राणात प्रवृत्तम रुझिरम द्वितीय है कर्म है, घ्राणात प्रवृत्तम रुझिरम यदा भवेत। आगे का शब्द है ना, गौर से पढ़ो, भवेत यदा भवेत, यदा लिखा है ना, यदा का अभिप्राय क्या है, जहां यदा आता है वहां पर तदा आना चाहिए, यदा भवेत होता है, भू भवती का भवेत विद्यर्थ है, भवेत किम भवेत, निःसृत दुष्ट दोषा, निःसृत निकल गए हैं कौन, दुष्ट दोषा निःसृता यदा तदा ओपीडम योजयेत। क्लियर, ओपीड कब देना है, आया पेशेंट एड्रेनलिन पिचो उसकी जगह पे त्रुटि का पिचो 150 रुपये घट, पेशेंट खुश, कर रहा है जहां बहुत ही आवश्यकता है करना है, जहां आवश्यकता नहीं है वहां समझाना है कि आप चिंता मत करो, शाम में आओ, शाम में मैं उसको बंद कर दूंगा, थोड़े देर दो या तो दोपहर में आओ बंद कर दूंगा, अभी गर्भ मत करो, अभी 2-3 घंटे जाने दो, 2-3 घंटे के बाद आओ, फिर मैं या तो यहां पड़े रहो, 2-3 घंटे के बाद मैं खुद करूंगा, इस प्रकार उसको मैनेज करना है। ओके, देखिए बार 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 ग्रंथकार बताते हैं, इसका अर्थ समझते हो क्या आप, ये गलतियां लोग करते थे और आपको सचेत कर रहे हैं बार 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 बार, ये मत करो, ये शास्त्र एविडेंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड का अर्थ ये नहीं है कि इस व्याधि पर ये व्याधि करता औषध कार्य करता, ये नहीं है, ये सिद्धांत एविडेंस बेस्ड है। दोष क्षय करो स्वयं शांत होगा, दोष क्षय नहीं करो आप स्तंभन करोगे, व्याधि बढ़ेगा, देखो क्या होता, आगे क्या लिखते हैं, दुष्ट प्रतिशाय शिरो विकारः, देखिए कितना कितना गंभीर है और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार है उसके लिए, यदि होता है, यदि कृमि नहीं होते हैं तो हम कोई चिंता नहीं करते हैं, लेकिन घ्राणनाश होता है तो हम जिम्मेदार हैं, तो शायद कृमि होना यह बहुत लंबी बात दूर की बात है, घ्राणनाश तो हो सकता है, शिरोरोग हो सकते हैं, शिरोरोग का भी पता समझते हो, शिरोग्रंथि रक्तस्राव विद्रधि केशपतन इंद्ररुप्त अर्दित, इन सभी व्याधियों की जिम्मेदार हम हैं, यदि हम रक्त का स्तंभन शीघ्र करते हैं तो। स एव कुपितो दोषः स्थानांतराणि प्राप्य, एक स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान व्याप्त करते करते अनेक व्याधियां कर सकता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, दोषों का क्षय करना, क्योंकि दोष ही क्या है, डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है, पैथोजिन है, और यदि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं केवल लक्षणों पर देते हैं तो हम अपराध्यति, हम चिकित्सक नहीं है, चोर है, तेस्तु तस्कर उत्तयः, सुश्रुत का वचन है, इसलिए इस अवस्थाओं को न आने देने की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत शुल्लक व्याधि होते हैं दिखने में, खलवाट, पूरे केश निकल गए, बाल निकल गए हैं, व्याधि कौन सा था, रक्तपित्त,
अपने क्या किया, स्तंभन किया, हेतु बन नहीं किए, परिणाम खलवाट। वही वर्ण नीलिका व्यंग जिम्मेदार हम हैं। हमने दोष क्षय नहीं किया, हमने लक्षण क्षय किया। इसलिए क्या कहते हैं, दुष्ट प्रतिष्ठा या शिरो विकाराहा। शिरो विकार देखना है कौन से हो सकते हैं, कियंत शीर्ष निकालिए। सूत्र स्थान 17। ये उपद्रव है, ये व्याधि के उपद्रव नहीं है। जिन दोषों को आपने शांत नहीं किया उन्होंने किए है उपद्रव है। श्लोक नंबर 13। विधाश्च रोगा, मुख के, शिर के, त्वचा के सभी रोग हो सकते हैं। इस पे मैंने अर्जित भी कहा। अर्जित क्यों कहा मैंने, इसका कारण है रक्त दूष्य है, और इस रक्त दूष्य को ये शरीर में घूमता है, जहाँ आश्रय करेगा वहाँ व्याधि करेगा। यदि इसने शिरस्थन में आश्रय किया तो रक्तस्राव होगा, अथवा रक्त ग्रंथि होगी, अथवा विद्रति होगा और अर्जित होगा। चिकित्सा अर्जित की नहीं करनी है, चिकित्सा किसकी करनी है, दूष्य रक्त और दोष श्लेष्म पित्त जो भी हो उसकी करनी है। और यदि हम नहीं समझते हैं, आयुर्वेद समाप्त हो गया। फिर आया पेशेंट अर्जित है, चलो अभ्यंग शुरू, श्वेत चलो धारा करना है, करना है। कब करना है, निश्रुते दोषे, दोष क्षीण कर दिया आपने, अब अर्जित चिकित्सा करो। चलो आगे, रक्तम सुपयम कुड़वम जिघ्रा। आगे अच्छे अच्छे कल्प दिए हैं, ये कल्प बलवान कल्प है। नीलोत्पलम गैरिक शंख युक्तम सचंदनम सीता जलेन, सीता शर्करा, सीता जलेन नश्यम, नश्य दो इसका मध्यम द्रव्य है, कल्प है। अगला कल्प पढ़ो, क्या है अगला कल्प, नश्यम सीता जलेन के बाद नश्यम तथा आमरास्थि रस। आमरास्थि रस कैसा है पता है, कभी देखिए आमरास्थि, देखिए उसके अंदर एक ये रहता है मज्जा, कषाय तम है मज्जा, आमरास्थि रस। आमरास्थि में जो मज्जा है उसका रस निकालिए, मज्जा का तीव्रतम कषाय है, इसका उपयोग अतिसार में भी किया है। दशेमानी स्तंभनियाने में है। आगे सदलोध्र, लोध्र भी कषाय है, स्तंभक है। धातकी मोचरस स्तंभक है, कषाय है। आगे अब इसमें आपको दोषानुसार बदल परिवर्तन करना है। अब ये जो पैतिक है, पैतिक के लिए द्राक्षा इक्षुरस नश्यम, क्षीरस्य नश्यम, दुर्वारसस्य चैव, यवास मूलस्य नश्यम, पलाण्डु मूलस्य नश्यम, पलाण्डु मूलयोः नश्यम, दाढ़िव पुष्पत्वयम् कषाय है, स्तंभक है। अपने औषध संग्रह में दाढ़िम पुष्प होना चाहिए, दाढ़िम पुष्प, पलाश पुष्प, अमरास्ते मज्जा, इमरजेंसी में चाहिए शीघ्र प्रयोग। आगे प्रियाल तैलम मधुकम प्रयश्य सिद्धम मृतम महिषम आजितम वा अमरास्ते पूर्वैति प्रयसा जनस्य सुसारिवैति स्यात् कमलोत्कलेश्य। सिद्धम मृतम महिषम वा आजम वा, नश्य के लिए महिष घी का प्रयोग किया है, प्रायः नहीं करते, अवस्था एक ही है, उत्कट वातपित्तोत्तर अवस्था में ही महेश दूध का उपयोग होता है, महेश क्षीर का, महेश घृत का भी। तो महेशम सिद्धम घृतम, देखिए इस श्लोक का अर्थ लगाना थोड़ा सा,
प्रयास करना पड़ता है, इसलिए फिर एक बार पढ़ेंगे। प्रियाल तैलम मधुकम पयश्च, ये स्वतंत्र कल्प है नस्य के लिए। आगे पयसा च नस्यम, पयसा च नस्यम के पहले एक शब्द है अमरास्थि पूर्वई ही पयसा शब्द। अमरास्थि का रस निकालकर उसको सिद्ध करो और उस पैसे नस्य करो। अथवा ससारी वही शात कमलोत्पलेश्च, सारिवा पय सिद्ध अथवा कमलोत्पल सिद्ध से भी आप नस्य कर सकते हो और उसमें अमरास्थि रस भी डाल सकते हो आवश्यकता के अनुसार। आगे पढ़ो। भद्रश्रेयम लोहित चंद्रांश परपौंडरिकम कमलोत्पलेश्च सुशीर वानीर जलम सुनालम सहस्त्र वीर्य मधुकम पयस्य ये प्रलेपन के द्रव्य है, इसलिए आगे पढ़ने के लिए कहा। जहाँ अधिकरण नहीं आया, यहाँ अधिकरण आ गया प्रलेपन का, अधिकरण तक पढ़ना है। जहाँ अधिकरण आता है वहां रुक जाना है। तो अधिकरण क्या है? प्रलेपनम, इनका प्रयोग सबका प्रलेपन के लिए करना है। ऊपर जो द्रव्य आए हैं प्रलेपनम च, प्रलेपनम का अभिप्राय यह है कि यदि नासा का रक्त स्राव है तो प्रलेपन आप पूरे इस पे करेंगे। नासा तक करेंगे, केवल यहां नहीं करेंगे, क्योंकि आप पित्त का श्रमण करना चाहते हो ना स्तंभन के साथ, तो पित्त आप यहां का स्तंभन करोगे काम हो जाएगा। लेकिन स्तंभन की प्रक्रिया सर्वाधिक करनी है आपको, दोष क्षय करना है, सर्वाधिक करना है, इसलिए लेप दोष क्षय के लिए सर्वत्र लगाना है। अब इसमें पुष्करणी मृत शब्द आया है, समझिए अर्थ समझ गए। पुष्करणी यानी फूलों की बाग, पुष्करणी उनकी मृत्तिका का लेप करना है, पुष्करणी मृत। आगे औदुम्बर अश्वत्थ मधुक लोध्रा कषाय वृक्षाः शिशिराश्च सर्वे प्रदेह कल्पे प्रयोज्याः। प्रदेह लगाना है, प्रदेह यानी बड़ा लेप, जाड़ा लेप, अंगुष्ठ मात्र लेप के लिए औदुम्बर अश्वत्थ मधुक लोध्र कषाय वृक्ष और अन्य जो भी शीत द्रव्य है उनका प्रयोग आप कर सकते हो। शिशिराश्च सर्वे प्रदेह कल्पे परिसेचने च तथा होगा है जगह पे आप उसका प्रयोग, प्रदेह परिसेचन तथा अवगाह के लिए भी आप कर सकते हो। और यदि आप चाहते हैं तो अवगाह के लिए परिसेचन के लिए तैलादि प्रयोग करना है तो वहां पर भी इन द्रव्यों का प्रयोग करके आप तैल सिद्ध करो। तैल सिद्धौ घृत तैल सिद्धौ रक्तस्य पित्तस्य शांतिम इच्छन, इच्छन ये कंटिन्यूस प्रेजेंस टेंस है, वकाधारी है। इच्छन इच्छन्तौ इच्छन्तः, जो इच्छा रखता है रक्त पित्त की चिकित्सा करने की, शांत करने की, वो क्या करें, इनका प्रयोग करें। भद्रश्रियादीन च भिषक् प्रयुञ्जात, भद्रश्रिय यानी चंदन, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हो। 106 पढ़ो। धाराग्रहम भूमि ग्रहम सुशीतम वनम च रमणम जलो आतशीतम वैदुर्य मुक्ता मणि भाजनानां स्पर्शश्च राहु शिशिराम सुशीतम। ये राजे बड़े लोगों के लिए है, राजा लोग उनके लिए है। धाराग्रहम ऐसा घर बना के रखो एक कि पेशेंट को रक्त पित्त है तो उसमें जाके बिठा दो, धाराग्रहम। भूमि भूमिगृहम च सुशीतम, भूमिगृह कैसे हो, सुशीत हो। सुशीत का अभिप्राय अतिशीत नहीं है, शीत हो। बर्फ का आवश्यक हो तो यानी बहुत ही बढ़िया ये अति मात्रा में हो रहा तो बर्फ पर गृह बनाओ, शीत हो। वनम च रम्यम, रम्य शब्द का प्रयोग क्यों किया है,
वनम च रम्यम, बैठने की इच्छा हो, ऐसा रम्य हो कि वहाँ कुछ देर तक बैठना पड़े तो बैठने की इच्छा हो, बास आ रहा है, गंदा कचरा पड़ा हुआ है, कौन बैठेगा, इसलिए वनम च रम्यम। जलवात शीतम, पानी जिसमें जहाँ पर शीत जल का प्रवाह भी है और वायु भी शीत है, आश्रम स्थान में बैठो, किसी आश्रम में जाकर बैठो। स्पर्शाश्च दाहे, शिशिराम्बु सीताः स्पर्शाः, स्पर्शाः शिशिराम्बु सीताः, ये एक है कल्प मैंने बताया। इसके ऊपर का जो कल्प है ना वो स्पर्श के लिए है, कौन सा देखो, वैदुर्य मुक्ता मणिभा जनाना, वैदुर्य मुक्ता इनके पात्र। आजकल दुकान निकल रहे काशी के, ये काशी के पात्रों के दुकान निकल रहे हैं, चार दुकान देखे मैंने हमारे सनसिटी में, सनसिटी रोड पे, इथे काश्याच्या पात्राने अभ्यंग करून मिळेल, तेल लावून मिळेल। आपण आणखी एक करूया, रत्नांचं भांडण आगे पडो, पत्र आणि पुष्पांचे वारी जाणं, शीतम कदली दलानी प्रच्छादनार्थम शयनासनानां प्रमोत्तलानां च दलाः प्रशस्ताः। अर्थ समझ में आ रहा है, उस समय एसी नहीं था तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पत्राणि पुष्पाणि वारी जाना, पानी में उत्पन्न होने वाले पत्र पुष्प इसका प्रयोग करो, कमल दल कमल कमल पत्र और कदली दल आने, कदली दल यानी दो हैं, कदली एक अलग आता है और कदली से बनाना भी आता है केला, दोनों के पत्र शीत है। कदली दलानी प्रच्छादनार्थम शयन आसनम, शयन आसन में भी इसका प्रयोग करो, प्रच्छादन भी आप कर सकते हो। तो पद्मोत्पलानाम च दलाः प्रशस्ताः, पद्म के पत्र प्रशस्त पत्र हैं, बड़े बड़े पत्र पत्ते पत्ते लाकर उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। आगे प्रियंगुका चंदन रुषिता क्या है, रुषितानाम स्पर्शाः, इनका स्पर्श करना चाहिए, प्रियंगु चंदन इनका गंध बनाकर लेप बनाकर उसका लेप करना चाहिए तो स्पर्श शीत होता है। प्रियानाम शब्द है ना, बच्चों का छोटे छोटे बच्चों का स्पर्श प्रिय होता है ना, वही प्रयोग कर सकते हो। प्रियाणाम हा दाहे प्रशस्ता सजलाहा, अब ये स्पर्श कैसे करना है, सजलाहा पानी में हाथ दबाकर आप कर सकते हो। सजलानाम प्रशस्ता सुशीताहा पद्मोत्पलानाम च कलापवाताहा, कलापवाता इसकी टीका है वो देख लो, कलापवाता इति कर, हर जगह उसके पत्ते लगा दिए हैं, उसमें से हवा आने वाली हवा ठंडी हवा आती है तो कलापवाता, उशीर के तट्टे लगाते हैं ऐसे इनके लगाना और उसका ठंडा वारा वारा देना। मनोनुकूल शिशिराश्चर्वा और मनोनुकूल ठंड शीते शीत जितनी भी कल्पना है, कथा सरक्तम शमयेत पित्तम, मनोनुकूला शिशिराश्च सर्वाहा स्वरक्तम पित्तम शमयंती, रक्त पित्त को शांत करते हैं, रक्त को भी और पित्त को भी शांत करते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है कथा, कथाहा बहुवचन है, इसकी टीका नहीं है, मनोनुकूलाहा कथा, इसलिए कहा है अकेले बैठे हैं शीतगृह में और अकेले बैठे तो बोर हो जाएंगे ना, इसलिए बातें करने के लिए कोई आदमी बैठ गया और वो क्या कह रहा है, ऐसी कथाएं बता रहा है कि डर लगे या कोई भयानक हो, ऐसे नहीं, रम्या कथा, मन प्रसन्न हो, नहीं तो कथा चल रही है कैसी, ढाऊ ढाऊ डिशो डिशो, इसलिए रम्या कथा, इसलिए रम्या कथा है। पढ़ो आगे
वाक्यं प्रसादस्य वाक्यं कार्यक्रमं चैव पानान्तनिष्ठं एव च वचनं संशोधनं च शमनं च गुरु उक्त्वा अन्यथावत् चिकित्से प्रत्यभूतस्य समाप्त हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा 5 मिनट और थोड़ा लेता हूँ। ये जो अध्याय हैं सभी ग्रंथों में रजवर से लेकर अंत तक, ये व्याधि उसको जो नाम दिया है रक्त पित्त ज्वर कास श्वास उदर अतिसार, ये लक्षण हैं। अब इन लक्षणों का निर्माण भिन्न भिन्न संप्राप्तियां निर्माण कर सकती है, उनका अध्याय है। इस श्वास ये अध्याय श्वास लक्षण का है, और ये श्वास लक्षण शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न संप्राप्ति होकर होता है, इसलिए लक्षणों को परतंत्र कहा गया है। चिकित्सा लक्षणों की नहीं करनी है, संप्राप्ति की करनी है। देखिए उदाहरण के तौर पर श्वास निकाली अध्याय निकाली, ये 7वां श्लोक पढ़िए। अन्य ही अपि उपस्पृष्टस्य तृतीय बहुवचन है ना, आगे क्या है? उपस्पृष्टस्य रोगैः उपस्पृष्टस्य अन्यैः रोगैः तृतीया है, संख्यावाचक विशेषण है। अन्यैः रोगैः उपस्पृष्ट यानी पीड़ित, उनमें भी श्वास होता है, उसका यह अध्याय है। यह अध्याय इन सभी श्वासों का है। आगे पढ़ो उसके अगली लाइन। अंते संजायते हिक्का श्वासश्च, उनका अध्याय है। ये केवल तमोग श्वास का अध्याय नहीं है, सभी का है। उसी प्रकार ये ज्वर अध्याय ये केवल आभासीय तो ज्वर का नहीं है, संप्राप्तियां भिन्न भिन्न हो सकती है। कास में भी ज्वर आता है, कामला में भी ज्वर आता है, अतिसार में भी ज्वर आता है, उनकी संप्राप्ति है। जहां जहां ज्वर आता है वहां पर अम प्रदोष है, चिकित्सा अम प्रदोष की करनी है। कास हो ज्वर हो अम प्रदोष है, इसलिए संप्राप्ति किसकी है? ज्वर की। ज्वर क्या है? लक्षण है। संप्राप्ति भिन्न भिन्न स्थानों पर हो सकती है, और उसका उपद्रव व्याधि हो सकता है। इसलिए रक्तपित्त ये लक्षण है, रक्त और पित्त दुष्ट है, ये भिन्न भिन्न कारणों से हो सकता है, वो संप्राप्ति है। व्याधि के दो प्रकार है, स्वतंत्र और परतंत्र। लक्षण पूर्व रूप उपद्रव सभी परतंत्र है। स्वतंत्र कौन है? संप्राप्ति। ये संप्राप्तियां भिन्न भिन्न होकर का व्याधि हो सकती है। रक्त पित्त भी हो सकता है, नाक में से रक्त आ रहा, पित्त दुष्ट हो सकता है, रक्त दुष्ट हो सकता है, संप्राप्ति भिन्न भिन्न स्थानों पर हो सकती है। ज्वर में रक्त पित्त होता है, इस प्रकार संप्राप्ति रक्त की है, अभिव्यक्ति अन्य स्थान में है, श्रोतरोध वहां पर है, अभिव्यक्ति रक्त पित्त है। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्याधियों के कारण भी रक्त पित्त हो सकता है, उनका यह अध्याय है। ये केवल एक रक्त दुष्ट पित्त करने वाले भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे डेंगू है, कारण भिन्न है, अगंत ज्वर है, विषम ज्वर है, अगंत ज्वर है, परिणाम रक्त पित्त है। क्यों? रक्त दुष्ट पहले से ही था,
पित्त दृष्टि पहले से थी, अपरदोष पहले से था, सन्निकृष्ट हेतु क्या हुआ, आगंतु भूतानुबंध है। भिन्न भिन्न संप्राप्तियां हो सकती है, कभी बीज दोषज हो सकती है, हिमोफीलिया बीज दोषज है, प्रमेह बीज दोषज है, प्रमेह। इस प्रकार अन्य व्याधियों का विचार करते समय भी दोषों का विचार करना है। पित्त का, रक्त का, श्लेष्मा का विचार, अवरोध का विचार करना है। अवरोध का कारण शायद भिन्न हो, अवरोध का कारण भिन्न हो सकता है, जैसे शिशिर में रक्त आता है, रक्त छर्दी होती है, रक्त पित्त है, संप्राप्ति शिशिर की है। श्लेष्मा दोष का रक्त हो सकता है, पित्त दोष हो सकता है, त्रिदोष हो सकता है, इस प्रकार विचार करना है। और कहीं भी स्वयं प्रवृत्त जब होते हैं, स्वयं प्रवृत्ताश्च यदा मलाः नौषधैर्धारये धीमान विद्रुतास्तेहि रोगदा, तो उनको शीघ्रता से धारण करने का प्रयास मत करो, जाने दो थोड़ी देर, घंटा आधा घंटा एक दो बार ये गाने दो, इसके बाद आप उसको बर्फ का पानी पिलाओ, नाक में डालो। इस प्रकार ये रक्त पित्त का अध्याय है, सबका आगंतु स्वतंत्र लक्षण रूप में किसी भी कारण से कहीं ना कहीं अवरोध हुआ, हाइपरटेंशन से रक्त पित्त आता है, हाइपरटेंशन से नाक में से पानी खून आता है, ब्रेन में हैमरेज होता है, रक्त पित्त है। संप्राप्ति भिन्न हो सकती है, आमज पैतिक वातज हो सकती है, इस प्रकार इसका विचार करना है। ये एक व्याधि नहीं है, ठीक है, यही पर रुकता हूं।